दोस्तों, मैंने अपने चैनल देवजी टेक्निकल पर पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें इस टॉपिक पर जो है कई वीडियो बनाकर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें। दोस्तों, इस टॉपिक के बाद जो है कई लोगों ने इस वीडियो को देखा और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख को इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 30 जून 2020 रखा था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। लेकिन आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, भारतीय गवर्नमेंट ने जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को जो है 9 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मतलब ये जो है अब 31 मार्च 2021 तक जो है हो गया है। तो अब आप जो है निश्चिंत होकर जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जो है 9 महीने के अंदर कभी भी लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रोसेस जानना है तो आप जो है आई बटन पर क्लिक करके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है SMS के द्वारा जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए देवजी टेक्निकल चैनल को और सबसे नई वीडियो देखने के लिए घंटा पर क्लिक कीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी पिछली जो है सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं रहा तो आपको जो है 10,000 का जुर्माना लग सकता है या आपका पैन कार्ड जो है परमानेंटली जो है निरस्त किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, अब जो है सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख को 9 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मतलब अब जो है आप 31 मार्च 2021 तक जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप SMS के द्वारा जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इजी प्रोसेस है, मैं आपको जो है वो प्रोसेस जो है अपने फोन पर ले जाकर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से मैसेज के माध्यम से तभी लिंक कर पाएंगे जब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों एक ही मोबाइल नंबर से लिंक है। मतलब दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर है जिससे कि आप मैसेज करेंगे अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए, वो नंबर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों से लिंक रहेगा, तभी जो है आप मैसेज के माध्यम से अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको क्या मैसेज टाइप कर भेजना है जिससे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लिंक हो जाएगा मैसेज के थ्रू। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मैसेज को ओपन करना है। मैसेज को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे न्यू मैसेज पे चले जाना है जहाँ से आप मैसेज को सेंड करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है अपना मैसेज लिखने का जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है UID पैन, ये सब आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं UID पैन। लिखने के बाद दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे 12 अंकों का अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्पेस नहीं देना है UID पैन के बाद, जस्ट जो है आपको 12 अंकों का अपना आधार नंबर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, आधार नंबर को यहाँ पे लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको अपना जो है अल्फा न्यूमेरिक पैन नंबर यहाँ पे लिखना है। तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर लिख देता हूँ। जिस तरह से आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे अपना अल्फा न्यूमेरिक पैन नंबर लिखना है। तो दोस्तों, हमारा मैसेज जो है सही से टाइप हो चुका है जिसको कि हमको भेजना है अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको UID पैन लिखना है कैपिटल लेटर में, फिर आपको जो है अपना 12 अंकों का आधार नंबर लिखना है, उसके बाद जो है आपको एक स्पेस देना है, फिर आपका जो भी पैन नंबर होगा अल्फा न्यूमेरिक वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों, मैसेज टाइप करने के बाद अब आपको इस मैसेज को जिस नंबर पर सेंड करना है मैं आपको नंबर बता देता हूँ जिससे कि आप इस मैसेज को उस नंबर पर भेजकर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे 2 नंबर बता देता हूँ, दोनों नंबर पे आप जो इस मैसेज को सेंड कर अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर पाएंगे। तो जो पहला नंबर है वो है 567678 और जो दूसरा नंबर है वो है 56161। तो दोस्तों, ये दोनों नंबर ही आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए बनाए गए हैं। तो आप इस तरह से मैसेज को टाइप करके इन दोनों नंबर पर जो है सेंड कर अपने जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से बहुत ही आसानी से मैसेज के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले नंबर पे जो है इस मैसेज को सेंड कर दिखा देता हूँ कि ये मैसेज सेंड करने के बाद जो है आप कैसे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। तो दोस्तों, नंबर को डालने के बाद अब आपको इस मैसेज को इस नंबर पर सेंड करना है। तो आपको यहाँ पे सेंड बटन दिखाई देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, मेरा मैसेज जो है सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। अब मुझे जो है एक कन्फर्मेशन मैसेज कुछ टाइम बाद मिलेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, अगर मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक पहले से रहेगा तो मुझे जो है कन्फर्म में मैसेज में जो है बताया जाएगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से पहले से लिंक है। और यदि जो है आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेगा तो आपको ये मैसेज सेंड करने के बाद आपका जो है पैन कार्ड आधार कार्ड से बहुत ही इजीली जो है लिंक हो जाएगा मैसेज के माध्यम से। तो दोस्तों, बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर, हम अपना इंटरनेट की मदद से जो है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक
लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई और तरीका बताइए। तो मैंने आपको बता दिया कि आप मैसेज के माध्यम से जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आप इस टाइप से जो है मैसेज को टाइप करके, आपको दो प्रकार के मैंने नंबर बताए, पहला है 567678, दूसरा है 56161। इन दोनों नंबर पर जो है आप किसी एक नंबर पर जो है इस मैसेज को भेजकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक जरूरी बात का ख्याल रखना है कि ये मैसेज जो है आप उसी नंबर से भेजिएगा जो नंबर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों से लिंक हो, मतलब वो नंबर जिससे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लिंक हो, उसी नंबर से आप जो है इस मैसेज को सेंड करेंगे तभी जो है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो पाएगा मैसेज के माध्यम से, अन्यथा जो है आपको इंटरनेट के माध्यम से जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपको जो है कुछ समय बाद जो है रिप्लाई मिलेगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुका है मैसेज के माध्यम से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों उम्मीद है कि अब आप इस वीडियो की मदद से बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, वो भी एक SMS के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप SMS भेजकर जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपको SMS उसी नंबर से करना है जो कि आपका पैन कार्ड से रजिस्टर है। जी हाँ दोस्तों, आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही SMS करना है, अन्यथा जो है आप अगर किसी अन्य नंबर से जो SMS करेंगे तो आपका जो है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपको रजिस्टर जो है मोबाइल नंबर से ही SMS को करना है ताकि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकें घर बैठे, वो भी SMS के माध्यम से। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मैं जो अगली वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले और मेरी वीडियो को जो है सबसे जल्दी आप देख पाएं। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।